Hey guys and welcome back to your channel Genius Guru। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि क्या बात होने वाली है। जी हाँ guys, इस वीडियो में पांच टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि पेड फॉर आर्टिकल से रिलेटेड होंगे। रिसेंटली मेरे चैनल पे आपने पेड फॉर आर्टिकल से अनलिमिटेड पेड व्यूज कैसे लें और उससे अर्निंग कैसे करें, तो दोस्तों क्या ये फेक है, क्या ये रियल है और मैंने अभी तक रिसेंटली कितना वर्क किया इस पे और कितना पे आउट ले चुका हूँ और अब इस वेबसाइट का क्या हाल है। तो दोस्तों वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था बिकॉज मैंने कमेंट में देखा कि काफ़ी लोगों के जो आर्टिकल हैं वो तो इंस्टेंटली अप्रूव हो जाते हैं, बट गाइस प्रॉब्लम हमें वहाँ आती है कि पेड व्यूज़ कैसे इंक्रीज हों। जी हाँ गाइस, इसी टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में। और गाइस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो बिकॉज इस चैनल पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और हमेशा फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ये वेबसाइट रियल है या फेक है। जी हाँ गाइस, ये चीज़ मैं क्लेम के साथ कह सकता हूँ, ये वेबसाइट पहले सही थी, इसका पे आउट पहले अच्छा खासा मिलता था, बट गाइस जब से इसमें अपडेट आया है और जब से यूज़र इस पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं इनके, तब से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि आपको भी फेस करना मिल रहा होगा और आपको भी ये चीज़ अच्छे से पता होगी। जी हाँ गाइस, रिसेंटली काफ़ी डेज से रेस्पॉन्स जो है काफ़ी ख़राब हो चुका है और पेड व्यूज़ भी, जितने पेड व्यूज़ हमारे मिलते हैं वो भी कुछ दिन बाद अगर हमारा आर्टिकल्स नहीं चल रहा है तो वो भी डिस्क्रीज हो जाते हैं और वहाँ से हट जाते हैं। तो गाइस इस सिचुएशन में हमारे पेड व्यूज़ नहीं आ पाते। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अपना, मैं अपनी हर वीडियो में भी आपसे बोलता हूँ, अपना एक अलग ब्लॉग बनाइए और उस पर वही कंटेंट डालिए जो इस पर आप डालते थे। और दोस्तों अगर आप इस पर वर्क करते चले आए हो और पेड फॉर आर्टिकल्स के जो रिव्यूअर होते हैं उन्होंने आपका आर्टिकल जो है वो अप्रूव्ड कर दिया है अपनी इस पेड फॉर आर्टिकल्स पर वेबसाइट पर पब्लिश करने के लिए, देन हम डेफिनेटली यहाँ पर श्योर हो सकते हैं कि हमारा आर्टिकल 101% यूनिक है बिकॉज तभी इन लोगों ने अप्रूव्ड किया है और इसी वजह से आपके सारे आर्टिकल्स अप्रूव्ड होते हैं। और क्यों ना आप वही आर्टिकल अपने ब्लॉग पोस्ट पर पब्लिश करें और 30 से 45 दिन में गाइस आपके 30-40 अगर आर्टिकल्स हो जाते हो तो आप गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेकर इंस्टेंटली और अच्छी खासी उससे ज़्यादा हाई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, देखिए जो आप आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट पे आप अपलोड करोगे वही आप आर्टिकल आप पेड फॉर आर्टिकल्स पे भी दे सकते हो। जी हाँ गाइस, इस पे डिपेंड मत रहिए एंड आप अपना ब्लॉग पोस्ट भी स्टार्ट कीजिए। देखिए रिसेंटली जो मैंने कमेंट्स देखा उनके अकॉर्डिंग मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है पेड फॉर आर्टिकल से, तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना ब्लॉग पोस्ट बनाएं। और अगर आपको ब्लॉग कस्टमाइज करना नहीं आता तो ये वाली वीडियो देखिए, इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया गया है। और दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है या और भी कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। तो दोस्तों इतना ही था यार इस वाली वीडियो में, मैंने सोचा इन्फॉर्मेशनल होगी, ज़रूरी था ये सब आपको बताना कि आप अगर आर्टिकल लिख रहे हो और उस पर अप्रूवल मिल जाता है बट पेड व्यूज़ नहीं मिल रहे तो क्या फ़ायदा। तो दोस्तों बस आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कीजिए एंड आई होप आप अच्छा खासा उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तक के लिए गाइस जय हिंद एंड बाय बाय एंड गाइस खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।